तो भाई सबसे पहले जीशान से ये पूछ लेते हैं कि वो TWS लेगा या नेक बैंड लेगा, अगर उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है क्या लेना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हैं NoisTech। भाई इस वीडियो में ना मैं आपका एक ऐसा डाउट सॉल्व करने वाला हूँ जो मैंने 8 महीने पहले सॉल्व किया था, बट फिर से अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भाई TWS लेना चाहिए या नेक बैंड लेना चाहिए। बाय द वे वो वीडियो को ना काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गए, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, उसके लिए थैंक यू। और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये वीडियो उसी वीडियो का एक रिफ्रेश है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अब 7-8 महीनों में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है इन टर्म्स ऑफ TWS एंड नेक बैंड्स। सबसे पहले अगर मैं एक बजट नेक बैंड एंड बजट TWS को कंपेयर करूँ, सपोज 1500 रुपये वाला प्राइस कैटेगरी, तो उस प्राइस कैटेगरी में मैं सबसे पहली चीज़ नोटिस करता हूँ बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस। मतलब जनरली जो 1000-1500 के TWS रहते हैं ना, उनके केस की क्वालिटीज़ या बर्ड्स की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ टूट टूट जाते हैं, बट बहुत जल्दी स्क्रैचेस दिख के आ जाते हैं। उसी जगह ये 1000 रुपये का नेक बैंड भी होगा ना, तो इसका क्वालिटी उस 1500 के TWS से मुझे बेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अच्छा सिलिकॉन मटेरियल देखने को मिलता है जो जाड़ा और फ्लेक्सीबल रहता है, जिसके कारण डिज़ाइन में मुझे ऐसे लगता है या बिल्ड क्वालिटी में नेक बैंड्स TWS से बेटर है। ओके, अब बात करते हैं एक ऐसा एडवांटेज जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि TWS नेक बैंड से बेटर है, कंफर्ट। क्यों? जब हम एक नेक बैंड पहनते हैं और समझो मैंने ये बड्स लगा दिए, जब थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करो ना तो ये वायर्स खींचते हैं। एंड जनरली मैंने ये नोटिस किया एटलीस्ट मेरे केस में कि मुझे TWS ज़्यादा फिट बैठते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये हल्के रहते हैं, बस निकालो कोई एक बर्ड को ऐसा कान में लगा दो, बंद करो और आप अपना यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि TWS आपके कान से गिर सकते हैं, बट नेक बैंड गिरा भी ना तो कोई टेंशन नहीं है, आपके गले में लटका रहेगा। उसके बाद नेक बैंड में भाई यहाँ पे चुंबक भी देखने को मिल जाता है, बस यहाँ पे चिपका दो और आपका नेक बैंड आपके गले से नहीं गिरने वाला है। उसी जगह TWS को निकालो और उसके डब्बी में वापस डालो। पॉइंट नंबर 3, मैंने आपको बताया नेक बैंड्स में आपको ये मैग्नेट मिलता है, और कई सारे नेक बैंड्स में यहाँ पे आपको मैग्नेट में फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है, जैसे चुंबक को अलग किया, ब्लूटूथ ऑन हो गया, आपके फ़ोन से कनेक्ट हो गए, वापस लगाया डिसकनेक्ट हो गए, या किसी में कॉल आंसर वाला फीचर रहता है, अलग किया कॉल आंसर कर दिया, फिर से लगाया कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें नेक बैंड में अच्छी है और ये आपको TWS में देखने को नहीं मिलती है। बट ऐसे नहीं है कि TWS में एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। सबसे पहला एक्स्ट्रा फीचर, ये खोलो और ये आपके फ़ोन से पैर हो जाते हैं। ऐसा आपको सब में तो नहीं मिलता है, बट जैसे गूगल फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी हो गई, नॉइस की हाइपरसिंक टेक्नोलॉजी हो गई, बोट की IWP इंस्टेंट वेक एंड पैर टेक्नोलॉजी हो गई, ये टेक्नोलॉजीज़ है, बस डब्बी खोलो और 2-3 सेकंड में आपके फ़ोन से पैर हो जाएंगे, ये चीज़ सही है। और यहाँ पे आपको मोनोपॉड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब आप एनी टाइम सिंगल बर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसा मेरा केस, मैं 90% ऑफ द टाइम मोनोपॉड यूज़ करता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए भाई TWS एक बेटर ऑप्शन हो जाता है इस सिनारियो में। बट यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, सपोज मैं लेफ्ट वाले से गाना सुन रहा हूँ तो ये राइट वाला ऐसे ही लटका हुआ रहेगा और इसमें भी गाना बजता रहेगा, और अगर मुझे इसका गाना बंद करना है तो मुझे इसका गाना भी बंद करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ आपको TWS में देखने को नहीं मिलती है, या आप लेफ्ट को इंडिपेंडेंटली यूज़ करो या राइट को इंडिपेंडेंटली यूज़ करो। ओके, अगर मैं माइक क्वालिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ मैंने देखा है कि नेक बैंड्स हमेशा TWS से बेटर रहते हैं, हमेशा मतलब एटलीस्ट 80% ऑफ द केसेस में। एंड अगर एक 1000 या 1500 रुपये का नेक बैंड की मैं बात करूँ तो उतनी अच्छी माइक क्वालिटी एक 2500 रुपये का TWS भी नहीं दे पाता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है ये TWS का, माइक क्वालिटी रद्दी रहती है मैक्सिमम TWS में, और जिसकी माइक क्वालिटी ठीक रहती है उसको आप इंडोर में यूज़ कर सकते हो, बट आउटडोर जाओगे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आया गया मर गया, सामने वाला कुछ नहीं सुन सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी चलाते हो थोड़ी बहुत आप नेक बैंड से सामने वाले से बात कर भी लोगे, बट TWS में वो भी नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है माइक क्वालिटीज़ आपको नेक बैंड्स में बेटर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है, ये मेरे एयरपॉड्स प्रो है और इसका माइक क्वालिटी ज़बरदस्त है, बट ये 20-25 हज़ार रुपये का TWS है। उसी जगह अगर मैं एक 2500-3000 का TWS देखूँ ना तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटीज़। भाई मैंने 8 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी ना, वहाँ मैंने बोला था
एक 1500 के नेक बैंड में जो साउंड क्वालिटी रहती है वो जनरली आपको 2500-3000 के TWS में देखने को मिलती है, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। अब ये चीज काफी चेंज हो गई है। लास्ट 6-7 महीनों में कंपनीज ने इतने अच्छे अच्छे TWS निकाले हैं जिसमें इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिली है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि अब भाई TWS एंड नेक बैंड एक मैच पर आ गए। अब मैंने बहुत सारे ना TWS में ये भी देखा है, जैसे अभी बोट के 101 आए थे 1300 या 1500 रुपए के, नॉइस के एयरबड्स मिनी आए थे वो भी 1300-1500 रुपए के आसपास। भाई जबरदस्त बेस देखने को मिलता है जो जनरली आपको 1600-1800 वाले नेक बैंड्स में भी नहीं मिलता है। OnePlus का वायरलेस ही आपको फ्लैट बेस देखने को मिलता है, इतना अच्छा बेस नहीं है। बेस एडिशन में भी उतना अच्छा बेस नहीं है। हाँ आपको ओप्पो इनको M31 में अच्छा बेस देखने को मिलता है, बट वो भी 1600 या 1600 के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो भाई ये चीज मैंने देखा कि साउंड क्वालिटी में ना TWS ने बहुत ज्यादा कैच अप कर लिया अगर हम नेक बैंड से कंपेयर करें तो। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं TWS में, बट नेक बैंड्स में मुझे नहीं लगता रियलमी को छोड़ के और कोई कंपनी है जो ऐसा कोई नेक बैंड बनाती है जिसमें ANC हो। फिलहाल के लिए मतलब ये अगस्त में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मैंने ऐसा कोई दूसरा नेक बैंड नहीं देखा जिसमें ANC हो, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। बट यही चीज आपको बोट के 2500 रुपए के ईयरफोन, रियलमी के 2500-3000 के ईयरफोन, नॉइस ने दे दिया 4-5000 में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। मतलब अब भरपूर ऑप्शंस आ रहे हैं। पीट्रॉन ने एक अल्टीमा करके TWS निकाला है जिसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फीचर बहुत अच्छा है, रद्दी है, ये मैं उसको रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ ANC के आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं अंडर बजट, जो जनरली अब आपको नेक बैंड्स में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलते। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ। ये सेम पॉइंट है पिछली बार की तरह। यहाँ पे एक नेक बैंड में सपोज आपको 30 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है 1300-1500 का प्रोडक्ट है, और उसी जगह फॉर एग्जांपल ये 1300-1500 का TWS है, इसमें भी आपको 30 घंटे की बैटरी लाइफ कंपनी ने क्लेम किया है, बट यहाँ पे फर्क है। सपोज ये नेक बैंड मुझे रियल डे यूजेज में 25 घंटे चल रहा है, इसको मैं वन शॉट पे 25 घंटे यूज कर सकता हूँ, बट ये TWS में एक्चुअल में ईयरबड से मुझे 5 घंटा या 6 घंटा उससे ज्यादा बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। इससे अगर मुझे 25 या 30 घंटे की बैटरी चाहिए तो मुझे केस में रखना है, फिर एक आध घंटा चार्ज करना है, फिर उसे लगाना है, फिर यूज करना है 4-5 घंटे, फिर डालना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है कि एक साथ आप 20 घंटे यूज करने वाले हो, बट काफी लोग रहते हैं जो जर्नीज करते हैं 6-7 घंटे 8 घंटे वो वन शॉट पे मूवीज 2-3 मूवी देख डालते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो रात भर में भाई मिर्जापुर देख डालते हैं 8 एपिसोड या 10 एपिसोड। उनके लिए यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे आपको वन शॉट बैटरी मिलती है 20 घंटा 25 घंटा या 15 घंटे। हाँ पे TWS में आपको चार्ज करते करते इनको यूज करना है तब जाके आपको उतनी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। ओके, अब एक और डिपार्टमेंट जहां मुझे ऐसा लगा TWS ने काफी ज्यादा कैचअप कर लिया है, गेमिंग मोड्स। आपको बहुत सारे TWS के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिनमें आपको गेमिंग मोड मिलेगा। आपको नेक बैंड में बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ही कम, अगेन सिर्फ रियलमी और अभी डाइजो ने निकाला जो फिर से रियलमी का ब्रांड है, और मुझे ऐसे नहीं लगता कोई आपको नेक बैंड देखने को मिल रहा है जहां पे गेमिंग मोड है। यहां TWS में नॉइस बनाता है, बोर्ड बनाता है, भाई विंग्स बहुत अच्छे TWS बना रहा है जिसमें आपको गेमिंग मोड देखने को मिलता है 65 मिलीसेकंड का। विंग्स वाइपर कहां गया, विंग्स वाइपर और विंग्स फैंटम भी आता है, बहुत ऑप्शंस है बजट में। मतलब 1300-1500 में ट्रू Q1S1 आते हैं जिसमें गेमिंग मोड है 1500 रुपए में। मेरा आपको बताने का मुद्दा यह है कि ऑप्शंस TWS में बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अब एक चीज जहाँ पे नेकबैंड TWS को ले लेता है वो है वॉल्यूम कंट्रोल। बहुत फालतू, मतलब फालतू पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक अलग से रिमोट दे देते हैं वॉल्यूम कंट्रोल के लिए। TWS में आपको जनरली नहीं देखने को मिलता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सब में नहीं मिलता है। नॉइस में वन टैप फीचर रहता है वॉइस बढ़ाने के लिए, विंग्स वाला भी देता है वॉल्यूम कंट्रोल्स, मैक्सिमम ब्रांड्स नहीं देते हैं। यहाँ पे TWS में जनरली मतलब एटलीस्ट इन 70-80% ऑफ द प्रोडक्ट्स आपको वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है। उसी जगह नेक बैंड्स में एटलीस्ट 95% नेक बैंड्स में आपको वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं छोटा सा फीचर है, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, सामने वाले की आवाज कम है, आपको बढ़ाना तो क्या करोगे, गाड़ी रोकोगे, फोन निकालोगे, आवाज बढ़ाओगे, या सीधा नेक बैंड का प्लस बटन दबा के वॉल्यूम बढ़ाओगे? आप मुझे बताओ आप क्या करोगे। अब एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है जो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल इतना ज्यादा नहीं है, बट कभी कभी काम आ सकता है। सपोज आप कहीं बाहर हो, आपको TWS निकाल के आप डब्बी में डाल के जेब में रख सकते हो, बट नेक बैंड आपको गले में ही रखना पड़ेगा मंगलसूत्र समान। हाँ अगर आपको शादी वादी में हो कहीं हो, या आप कोई फैमिली फंक्शन में हो, तो मुझे नहीं लगता वो नेक बैंड प्रोफेशनल लगता है। अगर आप एक TWS पहनते हो तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनल लगता है, मुझे ऐसे लगता है स्पेशली। हाँ आप सोच रहे होंगे भाई वो एयरपॉड्स देख के लोग ऐसे फैसिनेट होते हैं कि भाई वो
एयरपॉड्स है भाई अच्छी चीज़ है, नहीं ऐसे नहीं है। अगर आप कोई बजट TWS भी पहनोगे ना तो एक आध दो लोग पूछ लेंगे भाई कौन सा ईयरफोन है, एंड TWS जनरली कान में अच्छे दिखते हैं कंपेयर टू नेक बैंड्स। अब बात करते हैं पैसा प्राइस। अभी लास्ट 6-8 महीनों में मैंने देखा कि सस्ते में बहुत अच्छे TWS आना स्टार्ट हो गए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना तो वहां मैंने खुल्लम खुल्ला आपको समझा दिया था कि 2000 के अंडर मैं TWS रेकमेंड नहीं करता हूँ। अभी की डेट में 1000 रुपए में बोट ने एक TWS निकाला है, बोट एडोप्स 141। अभी 2-4 दिन पहले हमने उसका रिव्यू भी डाला है एंड वो TWS 1000 रुपए में मुझे बहुत पसंद आया। या 1300-1500 रुपए में नॉइस के मिनी आते हैं, बोट्स 141 आते हैं, ट्रू Q1 आते हैं, बोट के ही 101 आते हैं, बहुत ऑप्शंस है, बहुत है। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अब नेकबैंड एंड TWS के प्राइजेस में ज्यादा फर्क नहीं है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस TWS ने नेकबैंड से कैच अप कर लिया है एंड बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनीज। अब बहुत से लोग ये वीडियो के बाद ये पूछेंगे भाई तुम क्या प्रेफर करते हो, एंड मैं डेफिनेटली एक TWS को प्रेफर करता हूँ। मैंने आपको बता दिया मेरे पास एयरपॉड्स प्रो है एंड अगर इसका माइक नहीं भी अच्छा रहता था तभी भी मैं एक TWS को ही प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे चाहिए मेनली कम्फर्ट एंड साउंड। साउंड मुझे सस्ते में मिल जाता है एंड कंफर्ट भी मुझे मिल जा रहा है अच्छे से एक TWS पे। अब मेरी बाकी की टीम से सुनो कि उनको क्या पसंद है। तो भाई सबसे पहले जीशान से ये पूछ लेते हैं कि वो TWS लेगा या नेकबैंड लेगा, अगर उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है क्या लेना चाहिए, भाई बताओ जीशान। दोनों में से मैं TWS को प्रेफर करूंगा, छोटे मोटे लाइटवेट होते हैं, डिजाइन में भी अच्छे लगते हैं। तो भाई अगला सवाल हमारे एडिटर साहब अजहर से कि वो क्या प्रेफर करें, नेकबैंड या TWS। भाई मैं तो TWS प्रेफर करूंगा, अपने को जमते नहीं है लटकाने। तो भाई अगला सवाल हमारे स्टूडियो में फैजान भाई भी रहते हैं तो उनसे भी पूछा जाए कि वो क्या यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, TWS या नेकबैंड। ज्यादातर नेकबैंड यूज करते हैं TWS। अगर मैं पूछूं क्यों आपको नेकबैंड ज्यादा पसंद है तो TWS बहुत ज्यादा क्या लगता है कैरी करने में एज कम्पेयर टू नेकबैंड। नेकबैंड सिंपल कान से निकालो यहाँ लगा खत्म, TWS को कान से निकालो फिर जेब में डालो बॉक्स में डालो जेब में रखो, ज्यादा हार्ड लगते हैं यूज करने। सो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 पहुंचने में हेल्प करो, और भाई यही चीज हमें मोटिवेट करेगी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज लाने में। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। भाई सबसे पहले जीशान से पूछ लेते हैं कि